इंडिया वर्सेस इंग्लैंड वार्म अप मैच के लिए कैसी है गुवाहाटी की पिच, यानी गेंदबाज या फिर बल्लेबाज किसका रहेगा बोलबाला और किसे मिलेगा ज्यादा फायदा। दोस्तों, विश्व कप 2023 का चौथा अभ्यास मुकाबला भारत बनाम इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। इस मुकाबले में दोनों टीमें 30 सितंबर को बारसरा पारा के एक क्रिकेट स्टेडियम में टकराएंगे। दोस्तों, गुवाहाटी में दोपहर 2 बजे से ये खेलने दोनों टीम उतरेंगे। दोस्तों, मैच में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि भारत और इंग्लैंड ने अपने टीमों में एक से बढ़कर एक खिलाड़ियों को शामिल किया है। तो चलिए जानते हैं उस मुकाबले के लिए गुवाहाटी की पिच पर गेंदबाज या बल्लेबाज दोस्तों किसका रहेगा इस पिच पर बोलबाला और किसको मिलेगी सबसे ज़्यादा मदद। दोस्तों, गुवाहाटी की पिच रिपोर्ट्स, गुवाहाटी में केवल 2 वनडे मैच खेले गए हैं और दोनों खेल में उच्च स्कोरिंग 300+ का स्कोर रहा है। हमने इस साल की शुरुआत में खेली गई वनडे सीरीज में भी इस मैदान पर काफ़ी ओस देखी थी, जो कि लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम के लिए फायदेमंद साबित होती रही है। वही दोस्तों, इसलिए खेल में बने रहने के लिए पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को कम से कम का स्कोर 300+ का रखना होगा। वही दोस्तों, हाल ही में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली है, जिसमें से भारतीय क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ट्रॉफी अपने नाम की है और इस ट्रॉफी में 2-1 से बढ़त बनाते हुए सीरीज पर कब्जा किया है। ऐसे में दोस्तों, टीम इंडिया अपनी इस फॉर्म को आगामी विश्व कप 2023 के मुकाबले में भी जारी रखना चाहेगी। दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 के लिए दोनों टीमों का स्क्वाड दोस्तों बात करें तो इसमें भारतीय टीम की स्क्वाड में रोहित शर्मा कप्तान के रूप में, हार्दिक पांडे उपकप्तान के रूप में, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, अक्षर पटेल और ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव शामिल रहेंगे दोस्तों टीम में। वहीं दोस्तों, इंग्लैंड की टीम की बात करें तो इसमें जोस बटलर कप्तान, मोइन अली, गुड एक्सप्रियन, जेसन बॉरी, हैरी ब्रूस, कैम सैम करन, लियाम गिस्टोंग, डेविड मलान, आदिल रशीद, जो रूट, बेन स्टोक, टॉपली, डेविड मिली और वर्कवुड तथा क्रिस वोबल टीम में शामिल होंगे। तो दोस्तों, आपकी जानकारी में बस इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या इस वार्म अप मैच में टीम